देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, तो जरा पहले सिंपल से कंपाउंड की बात कर लेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर, जैसे कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। जैसे कि N2 है, N2 में नंबर ऑफ बॉन्ड्स N ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 आ जाता है, राइट। ऐसे ही O2 आता है, O2 में कितना आता है, ओ डब्ल्यू बॉन्ड रूम, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2 आ जाता है, याद रहेगा। अगर अब यही बात रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की करता है, किसकी करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो जरा इसकी भी बात कर लेते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए अलग रूल हो जाता है। जैसे कि आपका CO3-, अगर इसके स्ट्रक्चर ड्रा करें तो सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, इधर ओ माइनस। ओके, तो ये बॉन्ड जब हटता है कहीं से, ब्रेक होता है, मतलब कि कहने का मतलब है कि ये जो बॉन्ड है जब हटेगा तो एक पे माइनस आएगा, एक पे क्या आएगा, प्लस आएगा, तो इस पे प्लस आ जाता है, ये ओ माइनस और ओ माइनस। अब ये क्या काम करते हैं, ये काम करता है माइनस प्लस बना के डबल बॉन्ड बनाएगा, और जब माइनस प्लस डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसका स्ट्रक्चर एक और क्या बनेगा, वो बन जाएगा ओ माइनस सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ माइनस। ओके, तो इस टाइप से आपके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रा होता है। अब बात आती है इनकी बॉन्ड ऑर्डर की, कैसे निकालेंगे, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आप पहले फार्मूला लिखेंगे और इसके बाद बात आ कर लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स। ओके, अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो अब जरा बात करिएगा कि अगर कोई कहते बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, अब इसका तो इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो, स्ट्रक्चर तो आपके 3 ही आ रहे हैं, बॉन्ड कितने हैं, 2 और 2 4, तो 4/3 डिवाइड करो 1.33, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1.33। ओके, अभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी थोड़ी देर बाद। ओके, तो आगे जरा देखिए, इसे रब कर देते हैं फिर बात करते हैं। ओके, ओके, अगर इसमें एक और बात करें, किस पे, SO4-, तो आप जैसे कि मान लो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपको ड्रा करने नहीं आते, तो आप बॉन्ड कैसे निकालेंगे, है ना, नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक ट्रिक है। तो जो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम होता है ना, वो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। जैसे ओ कितने हैं, 4, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल्स टू आएगा 4। ओके, अब बात आती है बॉन्ड्स कितने होंगे, तो बॉन्ड्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे। सल्फर कितने हैं बॉन्ड, 4 हैं, ओ एक ओ माइनस है, एक नीचे माइनस दे दो, एक ऊपर माइनस दे दो, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, ये 6 आया टोटल, तो 6 अपॉन 4, 2, 3 जा ना 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 ना, ऐसे ही आएगा ना, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपान में होता है, हाँ, 2, 3 जा n2, 2 जा 1.5। ओके, तो इसका कितना आ जाएगा, 1.5। लेकिन अदर का अगर पूछा जाए तो उसका कैसे निकालोगे, जरा देखिए और भी बात कर लेते हैं थोड़ा।
ओके आगे देखिए, तो ये तो आपका 1.5 आ गया। नेक्स्ट अगर देखें तो अगला और देख लीजिएगा, ओके जो नेक्स्ट है उसमें पूछा क्या, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग मतलब बॉन्ड ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग पी ओ फोर माइनस माइनस। अब पी ओ फोर पी डबल बॉन्ड हो, माइनस माइनस दो बार है, तीन बार है, पी ओ फोर माइनस थ्री, ओ ओ ओ माइनस माइनस माइनस, ओके। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड, रेजोनेटिंग बॉन्ड कितने आएंगे, एक दो तीन, तीन दो पाँच, ओके। अब नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितने आएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सराउंडिंग एटम कितने हैं, फोर, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर फोर, ओके। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा आपका वो आएगा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड, रेजोनेटिंग बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर राइट। तो जरा बताइए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स कितना है, फाइव, स्ट्रक्चर कितने हैं, फोर, फोर बन जा 1.25 आ जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आएगा 1.25, ओके लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, लिख लीजिएगा थोड़ा रफ्तार में, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है CLO4 माइनस माइनस, CLO4 माइनस CLO O O एक माइनस है तो O माइनस, ओके। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आए, बॉन्ड्स मतलब रेजोनेटिंग बॉन्ड, दो, दो चार, दो छः, एक सात, ओके। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आएगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो यार अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर कितने होंगे, सराउंडिंग एटम कितने हैं, फोर, तो फोर होगा, ओके। तो अब बात आती है बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नहीं रेजोनेटिंग बॉन्ड अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके। तो अब जरा देखिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड कितने हैं, सेवन, स्ट्रक्चर कितने ड्रा हो रहे हैं, फोर, तो फोर बन जा फोर, थ्री, फोर से बन जाए एट, ट्वेंटी एट, टू, फोर, फाइव जा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1.75, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है जैसे कि अगर सिंपल सा कोई कंपाउंड मिल जाए, है ना, तो सिंपल सा कंपाउंड के लिए सीधा सा रहता है, CO2 है जैसे कि, है ना, तो CO2 है तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रक्चर कितने ड्रा होंगे, दो, कुल स्ट्रक्चर इसके कितने, सराउंडिंग एटम दो हैं तो दो, मतलब नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बराबर कितना, दो, रेजोनेटिंग बॉन्ड कितने, रेजोनेटिंग बॉन्ड कितने हैं,
फोर, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, 4/2, 2 2 जा 4, तो कितना बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा, ऐसे भी 2 आएगा। और एक तरीका, और एक देख लीजिएगा, और एक अगर देखें तो अपना क्या देखें, जैसे बेंजीन है ना, तो बेंजीन का अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है हमसे, तो बेंजीन का पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, देखिए मिल जाए, हो सकता है 2 2 4 5, 1 2 2 4 5, ओके देखिए बनाते हैं, ये बेंजीन बना, ओके है ना। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर किस टाइप से बनता है ये भी जरा देख लो, ये बना है ना, इन पे बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चूँकि ड्रा कर रहे हैं हम लोग, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए एक ही रूल होता है, इस टाइप से ये करो और इधर से एक और कर दो, ओके। तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बॉन्ड ऑर्डर जैसे कि अल्टरनेट बॉन्ड होता है एक ही है, अरे यार सही से ड्रा कर देते हैं, एक ये ओके, ये और फिर ये ओके। अब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अलग अलग चला जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ओके। अगर इस टाइप से आ गया तो देखिए चेंज हो गया स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितना है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितना है, स्ट्रक्चर है 2, ओके। अगर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर 2 है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, रेजोनेटिंग बॉन्ड कितने हैं, रेजोनेटिंग बॉन्ड 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, रेजोनेटिंग बॉन्ड 3/2 नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जरा बात कर लो एक बार, कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर ना, रेजोनेटिंग बॉन्ड 3/2 कैंसिल आउट 1.5, तो बेंजीन अणु में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1.5 का, आंसर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिएगा, रब कर दे, ओके। क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर इन CO, इन फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर CO इन। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कौन कौन सा है, एक है CO3 माइनस माइनस, CO2, फिर CO, ओके। चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहले CO यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक CO2 का अगर हो जाएगा अलग अलग, देखो यहाँ पे CO3 माइनस माइनस की बात करेंगे, इसमें CO2 को करेंगे, इसमें CO की करेंगे, चलो बात करते हैं। अगर बात करते हैं तो सबसे पहले CO कर लें, तो CO जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ने ड्रा करता, सिंपल सा कंपाउंड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सीधा सा आ जाएगा, इसका कार्बन के कितने आते हैं, आउटर मोस्ट 2/4, 4 ये, ऑक्सीजन का 2/6 चाहिए किसने से, 2, ओके 4 और 2 6, ओके बटे 2, तो कितना आएगा 6/2, 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से कितना आ गया 3, इसका तो सिंपल था, कई तरीके हो जाते हैं इसके, CO2 का भी निकाला था, O डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने, 4, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो जो ये होता है ना सराउंडिंग एटम, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बताते हैं, 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 4/2, 2 2 जा 4, ओके। क्योंकि फार्मूला आपका क्या था, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स 1/2 नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, वो भी किसके, रेजोनेटिंग के, राइट।
तो ऐसे ही CO3- का देख लो। CO3- का आपको पता है स्ट्रक्चर आपके तीन आएंगे, कैसे? सराउंडिंग एटम तीन है। अब एक स्ट्रक्चर ड्रा करके देख लेते हैं कि बॉन्ड कितने होंगे। सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, ओ माइनस, ओके। तो दो और दो चार, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना आ गया, फोर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 4/3, मतलब 1.33। ओके, तो इस टाइप से आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सही से करिएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।